आपको मालूम है कि अपने यहाँ जनपद जालौन में कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। देखिए कल भी एक महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई, इस प्रकार से अपने यहाँ 5 हो गई संख्या और कल झांसी में 11 संख्या हो गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा हमें सुरक्षित रहने की, बचाव करने की, जो हम लोग नियम निर्देश देते हैं उनका पालन करने की बहुत ज़रूरत है, ज़रूर पालन कीजिए। आज हमें प्रोज पढ़ाना है और प्रोज में अगला लेसन 2 है आपका, ये फेलो ट्रेवलर एक सहयात्री, किसने राइट किया है इसको, एजी गार्डनर ने किया है। और एजी गार्डनर का जन्म आपको बताएं ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और क्या नाम करके इन्होंने हायर स्टडीज की और कुछ इन्होंने वो चीज़ें लिखी हैं अल्फा ऑफ द प्लग पेन नेम से और डेली न्यूज़, ठीक है, ये चीज़ें लिखी हैं, इनका ये पाठ है फेलो ट्रेवलर सहयात्री। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट, ये एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उस ट्रेन पर इनके अलावा कोई पैसेंजर नहीं था और एक पैसेंजर था, तो आपको बताया जाएगा कौन पैसेंजर था इनके साथ। तो वही कह रहे आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट, कि हम में से किसने सबसे पहले कैरिज में, कैरिज का मतलब कंपार्टमेंट में, रेल के डिब्बे में किसने प्रवेश किया। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम, और आई डिड नॉट नो, और मैं वास्तव में आई डिड नॉट नो, मैं ये भी नहीं जानता था कि ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वो कुछ समय से कंपार्टमेंट में था, कैरिज में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, ए स्टॉपिंग ट्रेन, एन इन्फिनिटी लीजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। कैसी ट्रेन थी? इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम गाड़ी थी, लास्ट ट्रेन थी, कहाँ से, फ्रॉम लंदन से मिडलैंड टाउन तक, ये अंतिम गाड़ी थी। कैसी ट्रेन थी? ये स्टॉपिंग ट्रेन थी, स्टॉप यानी कहने का मतलब रुक रुक करके चलने वाली ट्रेन थी, रुक रुक का मतलब हर स्टेशन पर रुकती थी। एंड इनफिनिटेड लीजरली ट्रेन, कैसी ट्रेन थी? इनफिनिटली लीजरली ट्रेन, और ये बहुत धीमी स्टॉपिंग ट्रेन थी, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एंड इनफिनिटली लीजरली ट्रेन, और बहुत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, उन रेलगाड़ियों में से एक ऐसी चीज रेलगाड़ी थी ये, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो इटर्निटी का, अनंत समय का, अनंतता का, भव्य तव्यता का क्या कराती थी, अंडरस्टैंडिंग कराती थी, ज्ञान कराती थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, और जब ये ट्रेन प्रस्थान की, स्टार्ट हुई, रवाना हुई, तो टॉलरेबली फुल थी, टॉलरेबली फुल बहुत ठसाठस भरी हुई थी, फुल थी। बट एज वी स्टॉप एट द सब अर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे ही हम एट द सब अर्बन स्टेशन पर रुके, उपनगरीय स्टेशनों पर रुके, द ट्रेवलर अलाइटेड इन वंस एंड टूस, तो ट्रेवलर्स जो है ना वन और टूस करके, एक एक अथवा दो दो करके क्या हुए, अलाइटेड हुए, डिसेंडेड हुए, उतरे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन,
और उस समय तक जब हम ने किस बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट, जहाँ हमने किसको छोड़ा, आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ा, वेहेंड आई वॉज एलोन, आर रेदर आई थॉट आई वॉज एलोन, छोड़ने के लंदन की बाहरी सीमा के छोड़ने से बिहाइंड पहले आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, अथवा आर ये सोच लें कि आई थॉट आई वॉज एलोन, मैंने सोचा कि मैं अकेला था, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का एक प्लीजेंट सेंस होता है, सुहावना भाव होता है, खुशी का सेंस होता है, बीइंग एलोन इन ए कैरेज, रेल के कंपार्टमेंट में, डिब्बे में अकेला रहना क्या होता है, स्वतंत्रता का बहुत खुशनुमा माहौल होता है, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, और ये ट्रेन कैसे चल रही थी थ्रू द नाइट, रात में जॉल्टिंग झटके दे करके नॉइजली शोर से चल रही थी, इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीवल फॉर्म, और ये कैसी थी लिबर्टी, स्वतंत्रता, और एंड अनरिस्ट्रेंड यानी फ्रीली, बंधन विहीनता इन वेरी एग्रीवल फॉर्म, बहुत ही सुहावना क्या था, फॉर्म रूप में थी, रूप था इसका, काहे का रूप था, लिबर्टी का और बंधन विहीनता का, यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, आप उस कंपार्टमेंट में जब आप अकेले हैं तो यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, तो आप जो चाहें वो क्या कर सकते हैं, कैन डू कर सकते हैं, अकेले डिब्बे में हैं अगर आप, तो आप जो चाहें कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ जैसे एज लार्ड लाउड एज यू प्लीज, आप अपने आप से इतने जोर से बात कर सकते हैं एज लाउड एज यू प्लीज, जिस जिसमें आपको खुशी मिले, जिससे आप प्रसन्न हो, उतने जोर से आप स्वयं अपने आप से बात कर सकते हैं, एंड नो वन विल हियर यू, और आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जॉन्स, और जॉन्स शब्द आया है, जॉन्स नाम आया है, ये काल्पनिक नाम है ये, तो यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट, आप बहस कर सकते हैं किससे, जॉन से, ये काल्पनिक काम है, एंड रोल हिम ट्रियम्फली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, और बिना किसी काउंटर स्ट्रोक के, विरोधी प्रहार के, आप विरोधी प्रहार के विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, तो विरोधी प्रहार के भय के बिना आप उसको रोल हिम ट्रियम्फली इन द डस्ट, आप विजय के साथ ट्रियम्फेंटली यानी विजय के साथ उसको क्या कर सकते हैं, इन द डस्ट में, धूल में लुढ़का सकते हैं, यू कैन, आगे यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देख पाएगा, क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि यू आर एलोन इन द कंपार्टमेंट, क्योंकि आप कंपार्टमेंट में बिल्कुल अकेले हैं, ठीक, आप और क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, आर डांस ए टू स्टॉप, अथवा एक व दो स्टेप आप क्या कर सकते हैं, नाच सकते हैं, आर प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ का आप क्या कर सकते हैं, गोल्फ के प्रहार का प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, विदाउट लेट और हिंड्रेंस का मतलब होता है बिना रोक टोक के, बिना बाधा के, प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, आप फर्श पर क्या खेल सकते हैं, जो कांच की छोटी छोटी गोली होती हैं, मार्बल्स होते हैं, कंचे होते हैं, उनको खेल सकते हैं, यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट, और बिना आप किसी उत्तेजक के प्रोटेस्ट के विरोध के आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ओपन द विंडोज आर शट इट, आप खिड़की को खोल सकते हैं और बंद
बंद कर सकते हैं। कहने का मतलब आप बिना किसी विरोध के आप खिड़की को खोल और बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों के क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं अथवा बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग विद द शटिंग डैम एज सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और इंडीड वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग डैम, आप उनको खोले हुए एंड शटिंग अथवा और बंद कर किए हुए बोथ विंडोज दोनों खिड़कियों को। आपने देखा साइड में दो खिड़कियां होती हैं ट्रेन में, डिब्बे में किसी में देखिए, तो दोनों खिड़कियों को आप खोले हुए अथवा बंद किए हुए एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल फ्रीडम, एक प्रकार से स्वतंत्रता का फेस्टिवल मनाते हुए, पर्व मनाते हुए यू कैन गो जा सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, और आप कंपार्टमेंट में कैरिज में यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप कोई भी कोना क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल देम इन टर्न, और बारी बारी से आप क्या कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन कुशन, और आप कुशन पर जो ट्रेन की गद्दी होती है, सीट होती है, कुशन होती है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, फुल लेंथ में आप क्या कर सकते हैं, लाई कर सकते हैं, लेट सकते हैं। एंड एंजॉय लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, DORA का मतलब होता है राज्य सुरक्षा अधिनियम, और एंजॉय कर सकते हैं विलासिता का, किसकी विलासिता का, ब्रेकिंग द रेगुलेशन, किस नियम को तोड़ करके, ब्रेक करके, पॉसिबल जितना भी संभव हो, द हार्ट ऑफ DORA, DORA का मतलब होता है, डोरा का मतलब राज्य सुरक्षा अधिनियम, जितना संभव हो के हार्ट को तोड़ करके आप क्या कर सकते हैं, विलासिता अनुभव कर सकते हैं। DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और यहाँ तक कि जो राज्य सुरक्षा अधिनियम ही है वो भी ये नहीं जान पाएगा कि हर हार्ट इज ब्रोकन, उसके दिल को तोड़ा जा रहा है। यू हैव एस्केप इवन DORA, और आप डोरा से भी राज्य सुरक्षा अधिनियम जो कानून है उसको उल्लंघन करने के अपराध से भी क्या हो सकते हैं, आप बच सकते हैं। आगे फिर बताता हूँ।